सबके दिलों पर चलेगा जादू, अपनी आवाज के दम पर ये सबको करेंगे बेकाबू। He is the singing sensation, he is the super cool dude, but who's he? He is one and only one, Vikram Shukla ji. Well, Vikram ji, welcome to our show. Thank you so much, Tracy. आप मुझे ये बताइए, आपकी most awaited album is soon going to be released. How are you feeling? I'm feeling so excited कि मैं चाहता हूँ कि इस album को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम भी लगा और काफ़ी मेरी मेहनत लगी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये लोगों के बीच में आ जाए, लोग FM पे, TV चैनल्स पे और सब पे आ जाए, ताकि लोग जल्द से जल्द इसका मज़ा लें और मुझे भी फीडबैक मिले कि किस तरह का काम, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करी हमने इस एल्बम में। बिल्कुल। तो विक्रम जी, जैसे आपने हमने आपसे पूछा, आपने हमें बताया कि आपकी एल्बम आने वाली है, आपने बहुत मेहनत करी है। वेल, एक सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात होती है लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना और साथ ही साथ उनके माइंड में, उनके दिमाग में एक छाप छोड़ जाना। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने सिंगिंग कब से स्टार्ट करी? क्या ये मतलब बचपन से ही आपको शौक था या फिर आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि आपको सिंगिंग करनी चाहिए? देखिए, इसके पीछे भी ना एक बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे बहुत बढ़िया सवाल आपने कर दिया, मेरे मन पसंद का सवाल आपने कर दिया। एक्चुअली सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिंगिंग से भी पहले मुझे एक्टिंग का ज़्यादा शौक था। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे शुरू में एक्चुअली मुझे एक्टिंग का शौक था जी। तो मैं जब, और उससे भी पहले मुझे शौक है फिल्में देखने का। मुझे बचपन से एक्चुअली फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। और जब मैं पिक्चरें देखता था तो जिस तरीके से उसके एक्टर्स, हीरो हो या खासतौर से हीरो को ही ज़्यादा, बचपन में क्या होता है कि जब हम देखते हैं तो वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। Exactly. उसी तरीके की एक्टिंग करने की, अंदाज बोलने की, आवाज़ निकालने की, तो मैं शुरू में मिमिक्री किया करता था, आवाज़ों की कॉपी किया करता। लेकिन फिर मुझे अचानक गानों का कब मुझे शौक पड़ गया, खुद सिंगर्स की कॉपी करते रहने का शौक पड़ गया और मैंने उन सिंगर्स की आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे वो करते करते मुझे एक मज़ा सा आने लगा, लेकिन फिर भी मैं इतना सीरियस नहीं था, मुझे पता नहीं था कि आई कैन बी अ सिंगर या मैं अच्छा गाता हूँ कुछ। लेकिन ये काफ़ी सालों बाद, मेरे ख्याल से 2002 में ऐसा हुआ कि हमारे कॉलेज का यूथ फेस्टिवल था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। इसलिए नहीं कि मैं, मुझे सिंगिंग का शौक था या मैं सिंगिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता था या मैं सिंगर था, लेकिन तब तक हाँ, मुझे ये तो पता चल चुका था कि सिंगिंग जो है वो मेरा प्लस पॉइंट है। yeah. वो, और मैं सिंगिंग के जरिए, एक्चुअली क्या था कि जब यूथ फेस्टिवल, मैं शुरू से ही एक्चुअली सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ था, तो कभी लड़कियों के साथ मुझे अच्छा जो है मिलने जुलने का, तो वहाँ पर आपने लड़कियों को देखा और सोचा थोड़ा इम्प्रेशन जमा लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही थी। okay. और मुझे ये था कि मैं लड़कियों के साथ जाने का, बात करने का और ये सब चीजें मौका मिलेगा जी। बिल्कुल, इम्प्रेस करने का आपको एक चांस मिल जाएगा कि वहाँ पे आप लड़कियों को देख सकते हैं, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि तब तक मैंने संगीत सीखना शुरू नहीं किया था। okay. और तब भी जो मुझे प्रेरणा मिली वो भी नकल से ही मिली, जैसे क्योंकि मुझे एक्टिंग, जैसे मिमिक का मैंने आपको बताया। एक्चुअली क्या था कि मैं जब पार्टिसिपेशन के लिए गया, जहाँ पे गुरुजी ने, जिन्होंने ट्रेन करना था, तो उनके पास गया, तो वो जैसे गाते थे, वो जैसा सुर लगाते थे या जैसा करते थे, मैं हूबहू वैसे कर देते था। वो बहुत हैरान होते थे, वो कहते थे कि यार ये लड़का बहुत बढ़िया है, ये अगर सही से सीखे और सही करे तो अच्छा कर सकता है। तो मैंने जैसा जैसा उन्होंने बताया था, मैंने वैसा वैसा जाके फेस्टिवल में कर दिया। लेकिन उसका रिस्पॉन्स ये रहा कि 600 सिंगर्स में से आई वॉज सेलेक्टेड या बेस्ट सिंगर का अवार्ड मुझे वहाँ मिला। दैट्स रियली अमेजिंग। वेल, विक्रम जी, जैसे कि आपने अपने सिंगिंग के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया, ऑडियंसेस के साथ शेयर किया है यहाँ पे, वैसे ही मैं चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि आपको सिंगिंग से पहले एक्टिंग का बहुत शौक था, तो अगर हम आपके रोल मॉडल की बात करें एक्टिंग में, तो वो कौन रहे हैं? देखिए, मैं एक्टिंग को बड़े ही अलग नज़रिए से देखता हूँ जी। और रोल मॉडल सबसे पहले मुझे जिनका थोड़ा समझ आना शुरू हुआ,
वो श्री राजेश खन्ना साहब जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो कि एक ऐसे एक्टर हैं कि जो चेहरे पे मुस्कुराहट ला दें और चाहे तो चेहरे पे दिल में गम ला दें, एक ऐसे एक्टर हैं। बिल्कुल। और उसके बाद में अमिताभ बच्चन साहब, ये दो लोग इन लोगों को मैं एक्टिंग बहुत ज्यादा जी। तो जैसे आपने बताया कि आप सिंगिंग करते थे, तो आप सिंगिंग अपने फेवरेट सिंगर्स को बहुत अच्छी तरह से मिमिक करते थे, उनके सुर बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी करते थे। तो मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम राजेश खन्ना साहब की बात करते हैं, तो क्या आप उनके ही किसी अंदाज में आप अपने ऑडियंसेस के लिए या फिर किसी के लिए भी यहाँ पे कुछ बोलना चाहेंगे, कैसे कॉपी करेंगे आप उन्हें? नहीं, अब तो खैर देखिए ये बहुत पुराना किस्सा हो चुका है, इस वक्त तो मैं ऐसा कर नहीं सकता। खैर लेकिन अब जैसे उनका गानों को देखिए, ये कनेक्ट कैसे होता है, क्योंकि मेरे जो पहले सिंगर हैं जिनको मैंने देख देख कर गाना शुरू किया, जिनका गाना सुन करके मुझे कुछ होता था, और वो एक्चुअली ये तो बाद में पता चलता है कि गाना तो कोई और ही गाता है, बिल्कुल वो पर्दे पे एक्टिंग कुछ और, हम तो ये समझते थे, तब तक हमें ये भी नहीं पता था कि ये जो गाना है ये राजेश खन्ना साहब गा रहे हैं या पीछे से कोई दूसरा गा रहा है, हम तो यही समझते थे कि इसको राजेश खन्ना साहब, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उन्हीं की नकल में जैसे वो गाना गाते थे तो हम उसको वैसे ही कॉपी करते थे, तो उसी में गाते गाते कब नशा आने लगा और मजा आने लगा। तो वैसे विक्रम जी, आप यहाँ पे मुझे लगता है कि बहाना बना रहे हैं एक छोटा सा, कि आप यहाँ पे अपने ऑडियंसेस को शायद बताना नहीं चाहते हैं कि आप किस तरीके से उनको कॉपी करते थे बचपन में, आप कितने शरारती हुआ करते थे। बचपन में मैं काफ़ी शरारती था ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन अब अच्छा। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि मुझे लगता है कि मैं शरारती नहीं था, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सभी मुझे बताते हैं, इवन के मम्मी पापा और मेरे जो टीचर्स हैं सब लोग मुझे कहते हैं कि नहीं तुम बहुत शरारती थे। इवन कि स्कूल में सबको मेरा नाम पता होता था, मुझे नहीं पता होता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही एक्चुअली बोलने की बहुत ज़्यादा आदत थी। तो मैं हर चीज़ के अंदर घुस जाना मुझे पसंद था, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो, मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर हमेशा रहना बहुत ही पसंद था, बहुत ही मुझे अच्छा लगता था। ओके, तो अगर हम बात करें सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इनको छोड़कर अगर हम बात करते हैं हम कुछ और आपकी हॉबीज़ की, तो आपकी हॉबीज़ क्या रही हैं? हॉबीज़ के बारे में देखिए, सबसे पहली हॉबी शायद जिसकी वजह से मैं आपके बीच यहाँ बैठा हुआ हूँ वो थी फिल्में देखना। मुझे बहुत पसंद था, पिक्चरें देखना शुरू से ही मुझे बहुत पसंद था, मैं डूब जाता था, आज भी मैं फिल्में देखता हूँ तो डूब जाता हूँ। और सबसे बढ़िया हॉबी मुझे लगती है नए नए दोस्त बनाना। और ख़ास तौर से अगर लड़कियाँ मेरी दोस्त बने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू से ही मेरी लड़कियाँ जो हैं वो मेरी दोस्त नहीं रही हैं। इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस होता है, जी अफसोस भी रहा है हमेशा से, कि शायद मैं स्मार्ट नहीं हूँ, शायद इस वजह से मतलब लड़कियों की कमी रही है थोड़ी सी आपके आसपास, तो आपको ये मतलब आप खुद अंदर से ये फील करते थे शायद मैं स्मार्ट नहीं हूँ, इस वजह से मुझे लड़कियाँ बात नहीं करती हैं, मुझे अप्रोच भी नहीं करना आता है। होता है कि लड़के जैसे बाकी लोग सब बात कर लेते हैं या अप्रोच कर लेते हैं, तो मुझे वो भी एक रहा है प्रॉब्लम कि मैं शायद अप्रोच मुझे करना ही नहीं आया कभी, ये भी हो सकता है। अच्छा अच्छा विक्रम जी, जैसे कि आपने बताया कि फिल्में देखना आपको बहुत अच्छा लगता था, एंड दैट वाज द ओनली योर हॉबी, ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात करते हैं आपकी फिल्में देखने की हॉबी के बारे में, तो क्या आप घर से छुप छुप के जाते थे मूवीज देखने के लिए, या फिर मतलब फ्रेंड स्कूल बंक करके जा रहे हैं, कॉलेज बंक करके जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। जी मैं बचपन में जब पिक्चरें देखने का मुझे शौक था, तो हमारे घर में तो टीवी था नहीं उस जमाने में जब टीवी आया करता था, तब मैं लोगों के घर में जाके टीवी देखता था। और फिर जब मेरे फादर साहब को पता चला कि भाई इसको तो बहुत ज़्यादा, तो स्पेशली उस जमाने में जब टीवी बहुत ही कम लोगों के घरों में था, तब उन्होंने टीवी हमारे यहाँ पे, हम लोगों ने ब्लैक एंड वाइट टीवी लगा था। और ये जहाँ तक बंक करने वाली बात है, मैंने कभी स्कूल बंक नहीं किया, स्कूल में मैं बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का और थोड़ा सा स्टूडियस टाइप का, नहीं स्टूडियस टाइप का नहीं, अच्छा शरारती टाइप का, शायद वो मुझे समझते थे शरारती टाइप का वो कहते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो शरारत थी। मुझे क्या है कि मुझे ना अपनी बात कह देने का, कह दिए बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। मतलब आप कह देते हैं जो भी आपके दिल में आता है वो आप कह देते हैं। जी ओके, तो विक्रम जी वैसे यहाँ पे आज आप हमारे साथ हैं अपनी एल्बम सोनी जही नखरों के लिए, ठीक है, तो आप हमें अपनी एल्बम के बारे में कुछ बताइए, जब आप इसको शूट कर रहे थे तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा व्हाइल शूटिंग द एल्बम? एल्बम का शूट
बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था और पहली बार हमने वीडियोस भी शूट किए हैं इसमें, दो वीडियोस अभी तक आ चुके हैं शायद इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं। और पहला जो हमारा वीडियो शूट हुआ तो हालांकि शूटिंग एक्सपीरियंस उससे पहले मैं कर चुका था कई चैनल्स के लिए, जैसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट वगैरह थोड़ा बहुत किया था मैंने, लेकिन बीच में फिर काफ़ी स्किप हो गया। लेकिन अब ये मेरा ऑन एल्बम था तो शूटिंग के दौरान सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि जो मेरी 100 लोगों की पूरी यूनिट लगी थी, कैमरामैन हैं उधर, ये मेकअप आर्टिस्ट हैं और जो सह कलाकार लोग हैं लड़के लड़कियाँ सब, और पूरा सेटअप एक लगा हुआ है, तो वो उस दिन जो मुझे इंपॉर्टेंस फील हो रही थी अपने आप में, वो चीज़ मुझे बहुत ही अंदर ही अंदर से बहुत खुशी दे रही थी। और उस दिन मुझे जिंदगी का सबसे कॉन्फिडेंट डे लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था मुझे। तो एक्टिंग का भी शौक मेरा उस दिन समझ लीजिए पूरा हो गया कि जब मैंने एल्बम के अंदर खुद ही एक्टिंग की है, उसके साथ साथ आपने गाने भी गाए हैं। जी जी ओके। तो अगर हमने जैसे आपकी एल्बम के बारे में बात की है, आप अपनी एल्बम सोनी जही नखरों के बारे में हमसे बात कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि उस एल्बम में पंजाबी सॉन्ग्स हैं या फिर हर टाइप के सॉन्ग्स हैं, मतलब किस टाइप के सॉन्ग्स हैं? देखिए आजकल मैं आपको बता दूं कि ज़माना ये है कि आजकल पंजाबी जी और हिंदी में कोई खास फर्क रह नहीं गया है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे आजकल जो फिल्म आ रही हैं, जो म्यूजिक बन रहा है आजकल का, उसके अंदर भी पंजाबी वर्ड्स करते हैं इस्तेमाल, उधर इंग्लिश और उधर हिंदी को मिक्स करके एक अजीब सा ही गाना तैयार कर देते हैं। Exactly. पहले हिंदी और पंजाबी में आप फर्क कर फर्क सकते होता थे, था। आज के टाइम में आप फर्क नहीं कर सकते। हाँ, मेरे एल्बम के अंदर मैंने ये ध्यान रखा है कि मैंने मोस्टली गाने सारे पंजाबी ही बनाए हैं। Okay. उसमें अलग अलग फ्लेवर्स के गाने हैं, मतलब 8 गाने डाले हैं हमने इसमें, और 8 गानों के अंदर अलग अलग फ्लेवर्स के गाने हैं, डीजे नंबर्स भी हैं उसमें। Okay. लेकिन हमने पंजाबी का खास ख्याल रखा है क्योंकि पंजाबी एक ऐसी बीट होती है, पंजाबी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर किसी को अपना बना ही देती है। जी, जिसको अगर समझ में नहीं भी उसको गाना आता तब भी वो बीट के ऊपर जो है वो झूम जाता है और मजा करता है। जी, वेल विक्रम जी, आपने काफी बातें कर ली हैं हमसे अपनी एल्बम सोनी जही नखरों के बारे में, और जो बातें हैं हम बहुत जल्द करेंगे। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, सो गाइस यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर बिकॉज़ यहाँ पे बातें अभी बाकी है, सो बी राइट बैक। हे गाइस, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आज हमारे साथ है पंजाबी सिंगर या यू कहें वर्सेटाइल सिंगर विक्रम शुक्ला जी। तो चलिए हम इनसे बात कर रहे थे इनकी एल्बम सोनी जही नखरों के बारे में, तो हम अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इनसे इनकी एल्बम के बारे में कुछ और जानते हैं। वेल विक्रम जी, जैसे कि आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमें बताया कि आपकी एल्बम में बहुत सारे अलग अलग तरह के सॉन्ग्स हैं, तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जब इस एल्बम का टाइटल रखा सोनी जही नखरों, क्या सोच कर रखा आपने इस एल्बम का टाइटल? कुछ सोचकर ऐसा स्पेशल तो रखा नहीं था, लेकिन बस मैंने ये सोचा कि जो भी टाइटल हो वो थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, खुशी वाला होना चाहिए, चुलबुला सा होना चाहिए, आपकी तरह। ओके, तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसा सोच कर रखा था अपनी एल्बम का टाइटल। वेल, अगर हम बात करें आपकी एल्बम के सॉन्ग्स की, ओके, तो काफ़ी सॉन्ग्स जैसे आपने बताया कि इंटरनेट पे भी हैं और आपने 2 सॉन्ग्स अभी तक शूट भी किए हैं जो कि दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और हो भी रहे हैं क्योंकि लोग काफ़ी उन्हें लाइक कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं उन सॉन्ग्स के बारे में, तो आप मुझे ये बताइए कि आपका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या था व्हाइल शूटिंग दोस सॉन्ग्स? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहली शूटिंग मेरी बड़ी ही, क्योंकि मुझे एक्टिंग का भी शौक है तो जाहिर सी बात है वो मेरे लिए बहुत यादगार थी। बिल्कुल, और पहली बार में तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि कैसे शूटिंग, जैसे डायरेक्टर्स बोलते थे कि विक्रम जी आप यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए, और मैं बस वैसे ही करता चला जाता था। लेकिन जो सेकंड वीडियो हमने शूट किया था उसमें मैं खुद फ्रेम चेक करता था, तब तक मुझे पता चल गया था कि फ्रेमिंग होती है, शॉट होता है, फ्रेम पहले चेक करके फिर शॉट चेक करके फिर जब मैं डन करता था कि नाउ इट इज़ डन, ये ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि दूसरे वीडियो के डायरेक्शन में भी मेरा थोड़ा सा हाथ रहा है तो वो भी शायद गलत नहीं होगा। तो बेसिकली आप ये बोलना चाहते हैं कि अभी तक मैं ये बोल रही थी कि हमारे साथ हैं वर्सेटाइल सिंगर पंजाबी सिंगर विक्रम शुक्ला जी, मुझे अब बोलना चाहिए कि हमारे साथ हैं वर्सेटाइल सिंगर कम डायरेक्टर विक्रम शुक्ला जी। जी, ऐसे आप कह सकती हैं क्योंकि फ्यूचर में शायद हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी करूँ, क्योंकि जिस तरह के हमारे प्लान्स हैं
क्योंकि अभी अपकमिंग प्लान्स में हम मूवीज का भी प्लान कर रहे हैं, खैर वो तो बात ही बातें हैं, और उसमें शायद आपको ये चीजें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। वेल विक्रम जी, जैसे कि आपने लोकेशन की बात की, आपने सॉन्ग्स के बारे में बात की, अब हम अगर लोकेशन की बात करते हैं तो आपने कहाँ कहाँ पे जाके अपने इन सॉन्ग्स को शूट किया? मेरी एल्बम पंजाबी है जी, और पंजाब में सबसे खूबसूरत जगह जो लोग मानते हैं, जहाँ हर पंजाबी का रहने का सपना है, वो है चंडीगढ़। ओके, तो मेरी पहली एल्बम की जो पहला वीडियो हमारा शूट हुआ वो चंडीगढ़ में, और जो दूसरा वीडियो हमने शूट किया वो ऊना, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है ऊना, ऊना की पहाड़ियों में एक बहुत बढ़िया नदी के साथ में वो था, तो पूरा लोकेशन में वीडियोस में आपने देखा भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वहाँ पे हमने शूट किया था। वेल विक्रम जी, जैसे कि हम सॉन्ग्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपने अभी दो सॉन्ग्स शूट कर लिए हैं ऑलरेडी, और इन सॉन्ग्स की पब्लिसिटी, इन सॉन्ग्स की रेटिंग इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा हाई है, और अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने भी सॉन्ग सुने हैं आपके, और आपका सॉन्ग है दिल मर जाने नू, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। मतलब उस गाने में जो दर्द है, जो फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल निकल के सामने आती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, या फिर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आपने इस सॉन्ग को लिखा, इस सॉन्ग को गाया? ये बात बड़ी अच्छी पूछी आपने। एक्चुअली ऐसा कोई इंसिडेंट तो क्या बताऊँ, ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट होते हैं, सबकी ज़िंदगी में होता ही है ये इंसिडेंट जो है। तो बाई चांस की बात है, एक दिन ऐसे बैठा हुआ था तो सोच रहा था मैं भी इस इंसिडेंट के बारे में, कि तो एल्बम तब ऑन द फ्लोर थी, हम लोग बना ही रहे थे गानों को, तो ऐसे मेरे मुँह से निकल गया, मेरे दिमाग में ये लाइन आ गई कि क्यों कल्ला छट गई है इस दिल मर जाने नू, कदे चेते करया कर अपने दीवाने नू। तो मैंने बस उसको मैंने फिर कागज़ पे उतारना शुरू कर दिया, और लिखते 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 जब देखा तो वो एक पूरा गीत बन गया जी। तो ये एक बड़ी वजह रही है, और ये मेरे गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, और 8 के 8 गानों में से सिंगल एक यही गाना है जो कि मैंने खुद लिखा है, और इसका जो है म्यूजिक का जो डायरेक्शन है वो भी मैंने ही इसमें काफ़ी मदद करी है जी। बाकी लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा इस गाने को स्पेशली बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, तो मैं थैंक्स भी करना चाहता हूँ आपका भी, स्पेशली आपने सुना उस गाने जी, को बिल्कुल देखा आपने, और लोगों का भी। ओके विक्रम जी, जैसे कि आपने मुझे इस सॉन्ग के बारे में बताया दिल मर जाने नू, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आप हमारे लिए, अपने ऑडियंसेस के लिए 2 लाइन इस गाने की गाकर सुनाएं अपने ही अंदाज में। मैं ज़रूर 2 लाइन गा देता हूँ। एक्चुअली इसमें हमने एक एडलिब गाने से बिल्कुल स्टार्टिंग में एडलिब मैंने ही लिखी थी जी, कि अज भी जदों तेरा ख्याल इस दिल में आता है, मेरे हंजू मेरी अखा तो बाहर आके मैं हौसला देते हैं, पर फिर भी मेरा दिल मैं तो एक गल पूछता है, वो ये क्यों कल्ला छड़ गई है इस दिल मर जाने नू, क्यों कल्ला छड़ गई है इस दिल मर जाने नू, कदे चेते करे आकर अपने दीवाने नू, क्यों कल्ला छड़ गई है इस दिल मर जाने नू। That's really amazing. और मुझे लगता है यहाँ पे मुझे ताली बजानी चाहिए इतने प्यारे सॉन्ग के लिए। वेल दोस्तों, यहाँ पे अब आप इंजॉय कर सकते हैं इस सॉन्ग को, जरा आप सुनिए इस सॉन्ग को, और इतने यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सो बी राइट बैक। आज भी जदों तेरा ख्याल इस दिल नू आउंदा है, मेरे हंजू मेरी अखा तो बाहर आके मैनू हौसला देंदे ने, पर फिर भी मेरा दिल मैं तो एक ही गल पुछदा है, क्यों कल्ला छड़ गई है इस दिल मर जाने नू, क्यों कल्ला छड़ गई है इस दिल मर जाने नू, कदे चेते करिया कर अपने दीवाने नू, क्यों कल्ला छड़ गई है इस दिल मर जाने नू, क्यों कल्ला छड़ गई है इस दिल मर जाने नू। सुन मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, दिल तोड़ के ना जावी दिल कच दा समान, मैं तेरा हाँ दीवाना मेरी एहो पहचान, मैं तेरा हाँ दीवाना मेरी एहो पहचान, जिथे पहली बार मिली सी दिल दियो कली खिली सी, जिथे पहली बार मिली सी
अज भी मैं चेते करदा ओ ठिकाने नू कल्ला छट गई है इस दिल मर जाने नू क्यों कल्ला छट गई है इस दिल मर जाने नू वेरी शॉर्ट ब्रेक। आप हैं मेरे साथ यानी कि महक के साथ और आज हमारे साथ हैं विक्रम शुक्ला जी। वेल, इनसे हम बात कर रहे हैं इनकी एल्बम सोनी जही नखरों के बारे में। और यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले विक्रम जी, आपने हमें गाना भी गा के सुनाया, साथ ही साथ हमने यहाँ पे आपके ऑडियंसेस को आपका बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग दिल मर जाने नू सुनाया। वेल, मुझे उम्मीद है कि आपका ये सॉन्ग ऑडियंस को बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए विक्रम जी, हमें और कुछ बताइए कि लाइक जब आपने इस टाइप के सॉन्ग्स शूट किए थे तो क्या आपके दिल में कोई ऐसी फीलिंग आ रही थी, जैसे आपने बताया उस इंसिडेंट के बारे में कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है लाइफ में जो आपको इतना मजबूर कर देता है। तो आई थिंक उस इंसिडेंट का नाम होता है लव, प्यार, इश्क और मोहब्बत। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था जब आप उस सॉन्ग को शूट कर रहे थे? देखिए, ये तो खैर सबके लाइफ में होता ही है जी, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मुझे भी ज़िंदगी में किसी के साथ प्यार हो गया। ओके। सबके साथ होता है बिल्कुल। और उस प्यार के चक्कर में, वो प्यार तो एक महीना तक शायद चला था और वो मेरी तरफ से ही था जी। और चलने के बाद में 3 साल मैंने उसके लिए बर्बाद कर दिए। माय गॉड, 3 साल तक उसके गम में ही बर्बाद कर दिए। ओके। और तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में कि करना क्या है, मतलब तब बस खाली टाइम पास हो रहा था जी। फिर मुझे लेकिन एक प्रेरणा मिली और एक पैशन आया मेरे अंदर। मैंने कहा नहीं, अब कुछ करना है लाइफ में। तो बहुत सारे रियलिटी शोज और ये सब आते हैं, उसमें भी हम ऑडिशन वगैरह जब देते थे तो उसमें सिलेक्शन कभी बॉम्बे लेवल तक हुआ या कभी कहीं पे रहकर, हमेशा फाइनल में रह करके आप कभी स्क्रीन पर नहीं आए या कभी वहाँ तक नहीं। तो मैंने सोचा कि एक्चुअली सब लोग मुझे ये कहते थे कि आपकी ना एक अलग तरह की आवाज़ है जी। एक नॉर्मल सिंगर्स की जो आवाज़ होती है उससे थोड़ा सा हट के आपकी एक डिफरेंट टाइप की टोन है जी। तो मैंने कहा अगर मेरी डिफरेंट टाइप की टोन है तो फिर मैं इस टोन को अपने तरीके से ही बनाऊंगा और अपने तरीके से ही अपना खुद के गाने बना करके और लोगों के बीच लेके आऊंगा। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो उसे प्यार देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ लोगों का जिन्होंने सिर आंखों पर बिठाया है इस एल्बम को और वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं और काफी प्यार दिया है जनता ने जी। वैसे विक्रम जी, जहाँ आपका एक प्यार छूटा और आपको मतलब 3 साल लग गए उस प्यार से बाहर निकलने में, वहाँ आप देख सकते हैं कि आज आपके सामने कितने सारे लोग हैं आपको यहाँ पे मोटिवेट करने वाले, आपको उससे भी ज़्यादा प्यार देने वाले। तो आप इन सारे ऑडियंसेस को क्या कहना चाहेंगे हमारे इस शो के माध्यम से? मैं इस शो के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप कुछ भी करें, ये तो चलो हमारा, हमें तो गाने का शौक़ है इसलिए हमने एल्बम बनाया और इसको कर रहे हैं और सिंगिंग में आगे काम कर रहे हैं। कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट्स हों या गाने में हो, एक्टिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो एक अपना एम बनाएं और एम के साथ उसको पूरी मेहनत के साथ जो है उस पर कन्विक्शन के साथ उस पर काम करें, देन द सक्सेस इज योर्स। उसके बाद में सक्सेस आपसे कभी जो है वो भाग नहीं सकती है। एग्जैक्टली, वो आपके पास आएगी ही आएगी जी। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने यहाँ पे कि सक्सेस आपके साथ आपके पास जरूर आएगी, आपने जो सोचा है बस आपको वो करना पड़ेगा जैसे कि आपने किया है। तो विक्रम जी, जैसे हम आपके काम के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि हाउ मच जजमेंटल, हाउ मच क्रिटिकल यू आर अबाउट योर वर्क। मतलब जब आपका वर्क आपके सामने होता है, जब आप अपनी एल्बम के सॉन्ग्स को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इससे भी बेहतर कुछ कर सकते थे? ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, ये बिल्कुल मेरे साथ ऐसा होता है। क्योंकि आज मैं जब अपने गानों को सुनता हूँ या उनके वीडियोज़ को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कमियाँ हैं, मुझे खुद को ये लगता है। हालांकि लोग तारीफ करते हैं, लोग प्यार करते हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन शायद मेरी ग्रीड ज़्यादा है अपने काम को लेकर के। मैं, मुझे लगता है कि मैं और भी बेहतर इसको बना सकता हूँ, और भी बेहतर इसको कर सकता हूँ। तो शायद ये मुझे हमेशा कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है अपने काम से, कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तो मतलब आप हमेशा चाहते हैं कि आप कुछ और करें, कुछ और ज़्यादा अच्छा करें अपने आप को, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए।
बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब एक होता है कि इंसान अपने काम को देखकर बहुत खुश होता है कि हाँ हमने ऐसा किया है, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो अपने काम को देखकर खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं कि शायद मैंने ऐसा नहीं, अगर ऐसा किया होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि मैं किसी बहुत बड़े आदमी ने ये लाइनें कही हैं कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। क्या बात, तो भीड़ में तो सारे ही चल रहे हैं। बिल्कुल, हम जब तक अलग नहीं चलेंगे तब तक अलग दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। वेल विक्रम जी, अगर हम इसी बारे में बात करते हैं और, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके जो भी डिसीजंस होते हैं, आपके जो भी ओपिनियन होते हैं, तो वो ओपिनियन आप खुद लेते हैं अपने काम के बारे में, अपनी एल्बम्स के बारे में, अपने वर्क के बारे में, या आप किसी से डिस्कशन करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? देखिए, अभी तक तो सारी चीज़ें मैं खुद ही कर रहा था, लेकिन अभी मेरी ज़िंदगी में मेरे बड़े अच्छे दोस्त आए हैं जो कि इस एल्बम को जिन्होंने रिलीज़ भी किया है, और इसके ऊपर जो अभी नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन होनी है या जो भी काम होने हैं पोस्ट प्रोडक्शन, वो सारा उसके प्रोड्यूसर हैं श्री नंद किशोर सिंह जी। ओके। और वो अपनी कंपनी जो उनकी एम्प म्यूज़िक लिमिटेड है उसके थ्रू इसको रिलीज़ भी कर रहे हैं अभी, मोशन पिक्चर्स लिमिटेड। और उसको उसको अभी जो हम प्लान जो मूवी कर रहे हैं, तो वो मूवी भी उसी बैनर के थ्रू हमारी आएगी जी। ओके, तो यहाँ पे आप बॉलीवुड के भी प्लान्स कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके ऑडियंसेस को एक बहुत ही ज़्यादा कुछ बिग बजट में कह सकते हैं, या फिर बहुत ही सारा मिलने वाला है विक्रम शुक्ला जी से, फिर चाहे वो सिंगिंग हो, एल्बम्स हो, या फिर मूवीज़ हो। तो वैसे अगर हम मूवीज़ की बात करते हैं, अगर हम आपके आगे फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, तो वो मूवीज़ ही रहेंगी या आप और एल्बम्स भी बनाने वाले हैं? देखिए, म्यूज़िक एल्बम्स तो चलेंगी साथ साथ में, क्योंकि आई एम अ सिंगर, तो सिंगिंग तो कभी दूर जा सकती नहीं। वर्सेटाइल सिंगर जी। और अभी मैंने पंजाबी एल्बम किया है, अभी सेकंड एल्बम पे हमारा काम शुरू हो गया है। जो सेकंड एल्बम है वो भी पंजाबी मिक्स हिंदी, हिंदी बॉलीवुड स्टाइल होगा वो। बॉलीवुड स्टाइल होगा, उसमें हिंदी वाले को हिंदी मिलेगा, पंजाबी वाले को पंजाबी। जी। तो इस तरह का एल्बम सेकंड हमने शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ में अभी जो हमारे प्री प्लान्स चल रहे हैं मूवीज के लिए, तो मूवीज के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट अभी कैसे स्टेप लेने हैं, क्योंकि एक मूवी प्लान करना एक आसान काम नहीं होता है, एक बहुत बड़ा काम होता है। Exactly. तो अभी उसकी सिर्फ जो प्री डिस्कशंस है वही चल रही हैं, अभी पेपर वर्क हो रहा है उसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो विक्रम जी, आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने हमें शो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे पहले आपने एक्टिंग करनी शुरू की थी, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे सिंगिंग में आए थे, तो अगर आप मूवीज़ की बात कर रहे हैं हमसे, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या आप मूवीज़ में एक्टिंग भी करने वाले हैं या सिर्फ सिंगिंग? नहीं, सिंगिंग तो करूंगा, लेकिन मूवीज में एक्टिंग भी करूंगा। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, और एक्टिंग का मौका अगर मुझे मिलेगा तो मैं एक्टिंग जरूर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे किसी के अंदाज में अगर आपको कुछ एक्ट करके दिखाना है अपने ऑडियंसेस के लिए, तो आप क्या पेश करना चाहेंगे इनके सामने? जैसे आपने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे गाना गा के सुनाया, तो उसी अंदाज में आप थोड़ा सा अपना एक्टिंग का जलवा भी दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑडियंसेस को जानने में बहुत उत्सुकता होगी कि विक्रम जी अगर एक्टिंग करेंगे, एक सिंगर अगर एक एक्टिंग करेगा, तो कैसा लगेगा? वैसे तो मेरी एक्टिंग जो भी थोड़ी बहुत मैंने की है एल्बम्स में, आप लोगों ने देखा ही है। अब जैसे सपोज ये हमारे राजेश खन्ना साहब की आपने पहले बात करी थी, उनका डायलॉग तो नहीं, लेकिन उनका जब वो गाना गाते हैं तो किस तरह का उनका स्टाइल होता है, तो वो एक गाना मुझे बहुत बचपन से ही बहुत पसंद है उनका। वो गाने के कुछ बोल ऐसे थे कि तेरे लिए कसम नहीं रस्म नहीं, तू किसी के हाँ किसी के बस में नहीं, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तो ये इस तरह का क्या बात है, मतलब विक्रम जी आप एक कह सकते हैं, हम आपको देखकर कह सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज जो होता है वो आप हैं, मतलब सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, या फिर गुड लुक्स की बात हो, तो मतलब यू आर ऑल इन वन। थैंक यू सो मच प्रिंसी जी। बिल्कुल। तो यहाँ पे विक्रम जी, जैसे कि आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, और साथ ही साथ अपनी एल्बम सोनी जही नखरों के बारे में भी हमसे बात की, बहुत ही अच्छा लगा इन सारी चीज़ों के बारे में जानकर, और साथ ही साथ ऑडियंसेस
आपको यहाँ पे ये सारी बातें बताकर। वेल, अब मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे ऑडियंसेस को ये भी बताएं कि आपकी ये एल्बम रिलीज कब होने वाली है, कब ये जाकर उसको जल्दी से खरीद के ला सकते हैं। वेरी शॉर्टली, और नेक्स्ट वीक से ये गाने FM पे बजने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद में मेरे ख्याल 2 हफ्तों के बाद में आप इसको अपने टीवी में, टीवी चैनल्स पे, जो पंजाबी चैनल्स हैं उस पे आप अपने घरों में इसको देख सकते हैं। तो बहुत जल्द ये एल्बम आप सबके बीच में आ जाएगी ऑफिशियली। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। तो मतलब अगले हफ्ते तक या कुछ टाइम में, आने वाले टाइम में लोग उस एल्बम को, आपकी सोनी जही नखरो एल्बम को घरों में देख सकते हैं, साथ ही साथ वो FM पे उन सॉन्ग्स को सुनकर इंजॉय कर सकते हैं। तो विक्रम जी, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे एक हमने सॉफ्ट नंबर अपने ऑडियंसेस के लिए यहाँ पे प्ले किया था, उसी तरह से कोई तड़कती भड़कती चीज़ अगर ऑडियंसेस के लिए यहाँ पे हो जाए तो। यहाँ पे मेरा जो सेकंड जो वीडियो है मुझे भी बहुत पसंद है। अखा तेरिया नशीलियां ने सोहनी, दिल साडा लै गई ने मन मोहनी, दिल विच नैना वाले तीर मार के ओके बाय सानू कह गई ने सोहनी। वाह वाह, क्या बात है। तो यहाँ पे मतलब सच्ची में जो तड़कती भड़कती चीज की तलाश थी वो लगता है आपका ये जो सॉन्ग है वो कम्प्लीट कर देगा। तो वेल, दिस सॉन्ग इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू पीपल, जस्ट एंजॉय दिस सॉन्ग। The singing sensation, Vikram Shukla, coming with Raj Sachdeva. वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। वेल, हमारे साथ थे ये वर्सेटाइल सिंगर विक्रम शुक्ला जी, जिन्होंने यहाँ पे अपनी एल्बम सोनी जही नखरों के बारे में हमसे खास बातचीत की हमारे स्टूडियो में आके। थैंक यू वेरी मच विक्रम जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपकी एल्बम के बारे में बात करके, यहाँ पे ऑडियंसेस को ये सारी बातें बताकर। तो वेल, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये एल्बम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे और साथ ही साथ आप सबके दिलों पर बस छा जाए विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। विद दिस इट्स टाइम टू रैप अप द शो। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से हम आपके सामने लेकर आएंगे कोई और महान हस्ती, जो आपसे करेंगे खास बातचीत। तो टिल देन आप देखते रहिए जी भारती और मुझे दीजिए इजाजत। बाय, लव यू ऑल।